हेलो बच्चों, एजुकेशनल एरा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस बड़े से नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। 12996 12996। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का किस तरह से निकाला जाता है। 12996। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसे पेयर में करना होता है राइट साइड से, और ये जो पेयर है ये टू डिजिट के पेयर में होता है, जैसे 96 का एक पेयर, 29 का एक पेयर, और हमारे पास में बच गया 1। अब हमें देखना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो हम ले लेंगे 1 into 1, डेट इज़ 1। अब हमें करना है इसे सब्ट्रैक्ट, 1 minus 1 0। अब नेक्स्ट जो पेयर है वो हम कॉपी कर लेंगे 29, और यहाँ पे 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा था और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2। अब यहाँ पे एक हमें ऐसा नंबर लेना है जिसको हम ये टू डिजिट का नंबर जो बन जाएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें 29 से छोटा नंबर आना चाहिए, तो वो है बच्चों 1। 21 into 1, डैट इज़ 21। अब हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट वापस से, 9 minus 1 8। अब नेक्स्ट जो पेयर है उसे हम कॉपी कर लेंगे 9 6। अब यहाँ पे वापस से हमें 1 ऐड कर लेना है और हमारे पास में आ जाएगा 2 2। अब हमें एक और डिजिट यहाँ पे लेना है जिससे कि ये टोटल 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, और जो भी डिजिट हम लेंगे यहाँ इस 3 डिजिट नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लेके देखते हैं 4। 224 into 4, जी हाँ बच्चों, यहाँ पे 224 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 896। 224 multiplied by 4, डैट इज़ 896, और ये कम्प्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर। तो बच्चों हमें 12996 का स्क्वायर रूट मिल गया है, जो है 114। तो इसे बच्चों हम इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 12996 इज़ व्हाट, 114। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू एजुकेशनल एरा। थैंक यू।